आप देखते हैं कि वो स्कार धीरे धीरे स्किन में मर्ज होना शुरू होता है यानी कि स्किन के लेवल पर आना शुरू होता है हेलो गाइज आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार के रिलेटेड जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सो so पहले हम डिस्कस करेंगे उसके कॉजेस क्या हैं सो फर्स्ट कॉज इज़ दैट एक्सेस ऑफ सीबम प्रोडक्शन एंड सेकेंड मेन कॉज वन एक्ने डजेंट हील प्रॉपरली दैट लीड्स टू इनकम्प्लीट टिश्यू रिपेयर और वन एक्ने इज स्क्रैचड और पॉपड आउट दैट लीड्स टू इंक्रीज इन्फ्लमेशन एंड दैट लीड्स टू एक्नेस कार फॉर्मेशन जब हम बात करेंगे एक्नेसकार के टाइप्स के बारे में दो तरीके के एक्नेस कार्स होते हैं ए ट्रॉफिक एंड हाइपर ट्राफिक स्कार्स ए ट्रॉफिक स्कार्स की फर्दर सब डिविजन्स होती हैं जैसे कि आइसपिक्स कार्स रोलिंग स्ार बॉक्स कार अब बात करेंगे हाइपर ट्रॉफिक हाइपर ट्रॉफिक दो तरीके के स्कार हैं किलोइडल एंड पेपुलर स्कार अब जैसे कि हम लोगों ने बात करी अभी आइस पिक्सकार रोलिंग स्कार स्कार्स वो कैसे दिखते हैं जैसे कि नैरोइंग स्कार्स जो होते हैं छोटे छोटे से स्कार वो होते हैं आपके आइस पिक्स कार्स रोलिंग और बॉक्स स्कार्स होते हैं फर्दर वेल डिफाइंड एजिज़ के साथ जैसे प्रॉपर आपको गड्ढे जो दिखते हैं अपने फेस पर चीक्स एरिया में उसे कहते हैं रोलिंग एंड बॉक्स स्कार्स और किलोइडल और आपके पेपुलर स्कार होते हैं जो स्किन से उठे हुए या उभरे हुए होते हैं दोज आर कॉल्ड किलोइडल स्कार अब हम बात करेंगे एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं बट हम बात करेंगे पहले जैसे कि आइस पिक स्कार है आइस पिक कार्स में टी सी ए क्रोज बहुत अच्छा काम करता है ऐसा क्यों क्योंकि टी सी ए क्रोस एक ऐसा सब्सटीट्यूट एक ऐसा केमिकल है जैसे उसे हम स्कार के अंदर उसे हम डालते हैं वो वहाँ पर कोलेजन स्टमुलेट करता है तो उस गड्ढे को वो भरने की ट्राई करता है सेकेंड हम बात करते हैं रोलिंग और बॉक्स स्कार्स रोलिंग और बॉक्स कार्स जैसे कि डीप कार्स हैं गड्ढे हैं डीप आपको जो पिट कार्स दिखते हैं अपने फेस पर उसमें माइक्रो नीडलिंग प्लस प्लाज्मा थेरेपी बहुत अच्छा काम करती हैं ऐसे क्यों जितना उसमें नीडल्स जाती हैं और आपका प्लाज्मा उसमें एब्जॉर्व होता है वो उन गड्ढे के एरिया में एजिस एरिया में कोलेजनस को स्टिमुलेट कर कर उस एरिया को फिल करता है उस कार को एलिवेट करके हमारे स्किन लेवल पर लाने की कोशिश करता है अब हम बात करते हैं क्लोडल स् क्लोडा कार यानी कि स्किन से उठे हुए या उभरे हुए या किसी कोई एक्सीडेंटल इंजरी वाला स्कार हुआ इन सब स्कार्स में हम स्टेरॉइड इंजेक्शन्स देते हैं जितना उसमें हम इंजेक्शन्स की अमाउंट या उसमें हम उसकी डोजेस बढ़ाते रहते हैं टाइम टू टाइम डेन के साथ आप देखते हैं कि वो स्कार धीरे धीरे स्किन में मर्ज होना शुरू होता है यानी कि स्किन के लेवल पर आना शुरू होता है सो दीज आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल एट स्किन लॉजिक्स क्लिनिक अगर आपके कोई और भी कंसर्न्स हैं या एक्नेस्कार के अलावा कुछ लोग ऐसा होते हैं कि एक्नेस्कार तो ठीक हो गए हमारे बट कुछ कुछ एन लार्ज ओपन पोर्स हैं तो फॉर दैट यू कैन गो फॉर सीओ टो लेज़र सीओ टो लेजर्स ओपन पोर्स में श्रिंक करती है पर सीओ टू लेजर के साथ अगर आप वाइटामिन सी के एब्जॉर्बशन बी करते हो वाइटामिन सी एक ऐसा एंटी ऑक्सीडेंट है जो पोर्स को श्रिंक करने में आपकी हेल्प करता है और ग्लासी ग्लोइंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट ऑलवेज कंसल्ट योर डरमाटोलॉजिस्ट आपको लगता है कि नहीं हमें और भी कुछ कंसर्नस हैं तो आप हमारे स्किन क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो कोई भी कंसर्न है कोई भी इश्यूज हैं क्वेश्चन हैं आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं लाइक एंड कमेंट आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस को और आपको लगता है कि आपको कुछ इश्यूज़ हैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं इससे पहले भी हमने एक वीडियो शेयर किया है किनिक के रिलेटेड आप वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारा थैंक यू सो मच